हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नमस्ते। तो मैं आज बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पर देखिए, मैं साबूदाने को दो तीन पानी से अच्छी तरह से धो ली हूँ और 3 घंटे तक के लिए इसको फूलने के लिए डाल दी थी। ये देखिए हमारे साबूदाने कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। तो चलिए मैं अब इसका खिचड़ी बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ और इसमें घी भी डाल दी हूँ। घी भी गर्म हो गई है और मैं इसमें मूँगफली को फ्राई कर ली थी। अब मैं इसमें ये जीरा डाल दे रही हूँ। यहीं पर मैं ये मिर्ची डाल दे रही हूँ और ये करी पत्ता इसको मैं डाल दे रही हूँ। तो थोड़ी सी मैं चटकने दे रही हूँ। अब मैं इसमें ये गाजर को धो करके छील करके कट कर ली हूँ, ये डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ, सेंधा नमक है। ये आप व्रत में भी बना सकते हैं, इसलिए मैं सेंधा नमक डाली हूँ। आप चाहे तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। व्रत में बनाइएगा तो सेंधा नमक ही डालिएगा। ये देखिए हमारी गाजर भी भुंजा गई है। अब मैं इसमें ये बॉईल की हुई आलू डाल दे रही हूँ। आप चाहिए तो कच्चा भी आलू डाल सकते हैं। मैं यहाँ बॉईल की हुई आलू डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी गाजर भी अच्छी तरह से पक गई है। ये देखिए अब मैं इसमें यहीं पर थोड़ी सी 4-5 ये काली मिर्च कुटी हुई है इसको मैं डाल दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। अब यहीं पर मैं ये मूंगफली के दाने भी डाल दे रही हूँ। ये भुंजी हुई है इसे मैं डाल दी हूँ। अब ये साबूदाने को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। यहीं पर मैं अब स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। पहले भी थोड़ी सी नमक डाली हूँ, इसलिए आप अपने हिसाब से दें। और यहीं पर देखिए मैं थोड़ी सी मूंगफली को भूंज करके क्रश कर ली थी, इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। ये डालने से साबूदाने की खिचड़ी और अच्छी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, झटपट में कितनी अच्छी हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनी है। अब बहुत टेस्टी लगेगी खाने में। ये एक बार ज़रूर आप बना के ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर मैं ये थोड़े से अनार के दाने डाल दे रही हूँ। यहीं पर मैं अब थोड़ी सी धनिया पत्ता ऊपर से डाल दे रही हूँ। गैस मैंने बंद कर दी है। अब सबसे लास्ट में ये नींबू मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं ये सब को अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी साबूदाने की खिचड़ी खिली खिली बनी हुई है। अगर आप सब लोगों को हमारी ये साबूदाने की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।